आप देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन 6 नंबर, इसमें लिखा है गिवन a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, a की वैल्यू सिंगल वैल्यू दे रखी है, d की भी दे रखी है, s n इज इक्वल टू 90 दिया है और n और an पूछ लिया है हमसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, s n जो दिया है वहां से शुरू करेंगे, s n इज इक्वल टू 90 है तो यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा 90 है यहाँ पे, 9 लिख गया गलती से। अच्छा देखिए अब यहाँ पे हमको n और an पता करना है, तो अब इसमें जो है a और d की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, n by 2 2 a की वैल्यू 2 रख देंगे प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 8 है इक्वल टू 90, तो n by 2 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 8 इक्वल टू 90, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 8 का इसमें इनटू कर लेते हैं, n by 2 4 प्लस 8n माइनस 8 1 जा 8, 8 का n इनटू 8n 8 1 जा 8 इक्वल टू 90, और अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, 8 में से 4 माइनस कर सकते हैं, 8n पहले लिख दो, देखो n बाई 2 n बाई 2 8n को हम पहले लिख लें और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस जो देखिए माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस ही आएगा यहाँ पे, 8 4 से बड़े हैं। अब देखो इक्वल टू 9, अब इसका इंटू उसमें कर दो, तो देखो 8n n का n में होगा n स्क्वायर अपॉन 2, फिर n बाई 2 का 4 में इंटू करेंगे माइनस 4n अपॉन 2 इक्वल टू 90, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 90, तो यहाँ से 2n 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 या 4 यहाँ से n स्क्वायर बचेगा माइनस 2 कॉमन गया तो n अकेला बचेगा इक्वल टू 90, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो 45 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर दिया तो 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45 को इधर ट्रांसफर कर दो, अब यहाँ लिख लेंगे हम 2n स्क्वायर, अब देखो माइनस n और 45 को इधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस के 45 हो जाएंगे इक्वल टू 0, उधर दी हुआ बचेगा। अब ये इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे फैक्टर फाइंड करते थे, ऐसे ही एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, 45 का 2 में इनटू इसका इसमें इनटू, ऐसे ही तो बताया था पहले मैंने, तो 45 टू 90, ठीक है। अब दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिनका इनटू करके 90 आए और वैसे 1 आ जाए माइनस के 1, तो 10 9 या 90 जानते हैं, 10 9 या 90 माइनस के 1 चाहिए तो माइनस के 10 प्लस के 9 कर दो, तो 10 में से प्लस के 9 जाएंगे तो माइनस के 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइज करना तुम्हें आता होगा, चैप्टर फोर्थ में है फैक्टराइज वाले, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में भी है काफी। देखिए अब यहाँ से दो दो के पेयर बना लो, अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, जो दोनों में है इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 दोनों में आ रहा है, n भी दोनों में है, 2n कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से n बचेगा माइनस यहाँ से बचेगा 2 5 जो 10 5 बचेगा, n कॉमन गया, प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा n माइनस 9 5 जो 45 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फिर से कॉमन है n माइनस 5, n माइनस 5 कॉमन है, बचा क्या 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो इसके बराबर 0 ले लो एक बार, इसके बराबर 0 ले लो, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2n माइनस 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 5 को उधर ट्रांसफर कर दो, n इक्वल टू प्लस के 5 आ जाएंगे, ठीक है। 9 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो 2n इक्वल टू माइनस के 9, n इक्वल टू माइनस के 9 अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो n नेचुरल नंबर, ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इस वैल्यू को तो हम निग्लेक्ट कर देंगे और हम लिखेंगे टेक
एन इज इक्वल टू फाइव, एन की वैल्यू हम फाइव लेंगे और पूछा है एन की वैल्यू पूछिए तो यही आंसर आ गया एन इज इक्वल टू फाइव। अब ए एन भी पूछा है तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू, ए एन का फॉर्मूला जो होता है वही पूरा सीधा लिख देंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू है टू, ए की वैल्यू है टू प्लस एन की वैल्यू फाइव है, फाइव माइनस वन, और डी की वैल्यू जो है वो एट है, एट। तो देखो टू प्लस फाइव में से वन माइनस करेंगे तो फोर इंटू एट, ठीक है, टू प्लस एट का फोर में इंटू करेंगे थर्टी टू, तो थर्टी टू और टू थर्टी फोर, तो ए एन इज इक्वल टू थर्टी फोर, तो एन और ए एन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है।